आपको बोला था टपाटप, हम आके पहुंच चुके हैं लोकेशन, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज जो पीछे देख रहे हैं सोनझो भाई ना, हम लोग का चैनल हेड का दोस्त है, वो तो हेड ही है, वो हम लोग सब हाथ पैर हैं। ये आज ओरिजिनल हेड नहीं आया है, उनका दूसरा हेड है मेरे पीछे रवि भाई। तो टपाटप हम पिकनिक करने आज जा रहे हैं, आप लोग के लिए भूत प्रेत ढूंढते ढूंढते हम लोग टपाटप हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ा रिलैक्स होने जा रहे हैं। अगन भैया लगातार बाइक जैसा कार चला रहा है, इतना स्पीड चला रहा है, हम लोग को लोकेशन पहुंचने में मज़ा आ गया क्योंकि हंसते खेलते झूमते हुए पहुंच चुके हैं। बीच रास्ते में आप लोग को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि लोकेशन देखने के बाद आप बोलेंगे वाह चैनल में क्या छोड़ा है टपाटप, तो ऐसे ही देखते रहिए। जाके हम क्या पहुंच चुके हैं गाड़ी टपाटप गाड़ी में आ जाए हैं। मैं अभी चिकन लेने आगे जा रहा हूँ, चिकन ले लिया, पूरा दमदार चिकन है अभी। अभी जा रहा हूँ ये चिकन लेके, चिकन होने वाला है लगभग तैयार है। कलर इसका रंग रूप कितना मस्त लग रहा है, यहाँ का चिकन करी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत मज़ेदार होता है। ये होने के बाद आप लोग को लेके पहुँचूँगा वो लोकेशन, जिसके बारे में अभी तक आपको बताया नहीं, भूल मत कीजिएगा क्योंकि आपका प्यार ही हम लोग का चलने के लिए वरदान है। यहाँ राइस बन रहा है, राइस भी कंप्लीट, ये पूरा खचाखच टपाटप राइस है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और खाना खा ही लीजिए वीडियो की तरह, क्योंकि इससे मज़ेदार चीज़ और कहीं नहीं मिलेगा। मयूरभंज का राइस और देसी चिकन, जंगल का चिकन, ऐसा चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मयूरभंज में मिलेगा। और स्वादिष्ट वाला खाना बांगरी पोसी के घाटी के नीचे मिलेगा। सिमलीपाल जो है हमारा यूनेस्को का रजिस्ट्रेशन है, सिमलीपाल जैव प्रकल्प बोलते हैं इसका, जो कि महाबल टाइगर का ये अभयारण्य है सिमलीपाल। और सिमलीपाल का नीचे ही हम घूम रहे हैं और ये नीचे वाला गांव है जिसका नज़ारा अभी आप देख पा रहे हैं कैमरा में। तो अभी टपाटप वाले हमारे हेमंत भाई ने जो माइक है मुझे थमा दिया है, तो इसलिए मैं ही आपको बोल रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ये नज़ारा, ये सिमलीपाल का जो पहाड़ है उसका नीचे ही अवस्थित है। और हम जो जा रहे हैं अभी वो है शंकरमारा डैम, ये स्थानीय लोग का कहना है इसका नाम है शंकरमारा डैम। और ये जो है ये अभी हम रास्ते में है, ये जंगल ही जंगल है, पूरा ग्रीन एरिया है ये, जो कि नेचर है। और ये हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देख के फील कर सकते हैं कितना आरामदायक और नेचर वाला जगह और प्योर ऑक्सीजन वाला जगह है ये। बीच बीच में छोटा मोटा गांव पड़ता है, हम जो हमारे जो डेस्टिनेशन है वहां तक जाने के लिए बीच बीच में छोटा मोटा जो है गांव पड़ रहा है, जो कि आदिवासी एरिया है ये, लोकल का आदिवासी कहते हैं इन लोगों को। अभी एक 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 चीज आने वाला है, टपाटप टपाटप टपाटप, रिमोट कैमरा, ये देखिए, आया समझ में? कुछ नहीं आया ना, देखते रहिए, इसीलिए बोलता हूँ टपाटप जाने का नहीं, आने का, देखने का और टपाटप लाइक करने का, कमेंट देने का, बोले तो भाई लोग जो बोलता है वही करने का। आप उनका चैनल यानी आप लोगों का चैनल भाई लोग ऐसे ही टपाटप देखने का,
शेयर करने का, लोगों को लाइक करवाने का और सब्सक्राइब करवाने का। देखिए देखिए कैसा चीज सब दौड़ रहे हैं, ये सब गाय है, ये बकरी है, ये मेंढा है। मेंढा जो होता है बहुत लंबा वाला होता है, जो भी आप समझे ऐसा ही चीज।